सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में आज चर्चा होगी संभल में हुए हिंसा की। संभल में किसने फेंका हिंसा का पत्थर? संभल में साजिश के बाद अब सियासी घमासान। क्या कहती है आम जनता? हम हैं वाराणसी में, वाराणसी जहां पर ज्ञानवापी का भी केस चल रहा है। ऐसे में लोग संभल के हिंसा के बाद क्या सोचते हैं, सीधे बात करते हैं आम जनमानस से। संतोष जी, आपसे शुरुआत करेंगे, आप ज्ञानवापी के वादी भी हैं। संभल में जो कुछ हुआ, पहले हिंसा और अब सियासी घमासान हो रहा है, क्या दिखाई देता है? दरअसल संभल में न्यायालय के आदेश दिया कि तथाकथित जामा मस्जिद में सर्वे होगा, क्योंकि उस पर जो पिटीशन दाखिल की गई थी हिंदू पक्ष की ओर से कि वो विष्णु भगवान का हरिहर मंदिर है, और न्यायालय के आदेश से सर्वे करने के लिए जब टीम पहुंची है तो जिहादी मानसिकता के लोगों ने एकजुट होकर के पथराव करना शुरू कर दिया। क्योंकि ये पथराव की स्थिति देखने के बाद तो मुझे जो समझ में आता है कि ये पत्थर पहले से इकट्ठा किए गए थे और गोलियां भी चली हैं, तो ये सब प्री प्लान्ड हुआ था। और सियासत की जहां तक बात आती है, सियासतदार लोग बहुत से सियासत कर रहे हैं। आज़ादी के पहले के जितने भी बने हुए मस्जिद हैं, वो अगर उनको आज के तारीख में सभी मस्जिदों का सर्वे किया जाए तो जितने मस्जिद हैं वो सब किसी न किसी सनातनी मंदिर के ऊपर ही बने हुए दिखाई आपको पड़ेंगे। क्योंकि हिंदुओं का मान मर्दन करने के लिए, हिंदुओं को तोड़ने के लिए मुगलिया शासकों ने इस तरह का प्रयास किया, जो काशी में हम लोग आज अदालत में लड़ाई लड़ रहे हैं, देख रहे हैं। क्योंकि कृति वासेश्वर से लेकर के काशी विश्वनाथ तक का मुकदमा हम लोग लड़ रहे हैं आज की तारीख में, और विश्व वैदिक सनातन न्यास की तरफ से आपने देखा है कि हम लोग बराबर इस बात को कह रहे हैं कि आज जैसे मदरसे हमारे देश में हैं, ये मदरसे क्या हैं? ये मदरसे तालिबानी अड्डे हो चुके हैं। यहाँ पे तालिबानी शिक्षा दी जाती है, जहाँ पे सिर्फ जिहाद की ही बात की जाती है, और वो जिहादी मानसिकता वहाँ दिखाई पड़ी। आज अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ की तरह प्रबल सीएम न हुआ होता तो शायद वहाँ पे ये बलबा और ज़्यादा बढ़ गया होता, लेकिन प्रशासन ने रोक लिया इस होने वाले बलबे को। मैं साधुवाद देता हूँ योगी जी को भी और प्रशासन को भी। और साथ ही साथ मस्जिद का मामला है, जहाँ जहाँ मस्जिद का मामला आपको दिखाई पड़ रहा है वो सब हिंदुओं का मंदिर हुआ करता था, जिनको तोड़ करके उन्हीं के मलबों से मस्जिद का निर्माण किया गया है, और अब सनातनी जाग चुका है और अपने मंदिरों को हासिल करेगा। चलिए, ये बातें तो न्यायालय स्पष्ट करेंगी। संतोष जी, ASI का जब सर्वे हुआ ज्ञानवापी में तो आप भी वहाँ पर मौजूद थे। शुरुआत में वहाँ भी विरोध दिखा गया, हिंसा तो नहीं हुई, विरोध दिखा गया, ताला नहीं खोला जा रहा था, दो दिन तक सर्वे लटका रहा, आप लोग भी वहाँ खड़े रहे। संभल में जो कुछ हुआ, सीधे सीधे वहाँ पर हिंसा की गई, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जहाँ जहाँ सर्वे होना है, इस हिंसा के माध्यम से उन दरवाजों को बंद करने की कोशिश की गई? ये सनातनियों को डराने की कोशिश है। ये मुगलिया मानसिकता के लोग सनातनियों को डरा के रखना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि प्रशासन तो जो अपना काम कर रहा है कर रहा है, लेकिन हम सनातनी कमर कस के तैयार हैं कि तुम्हारी मुगलिया मानसिकता को जड़ से उखाड़ कर हम फेंक देंगे। और आने वाला समय ये तय करना पड़ेगा भारत की सरकारों को भी कि जो सनातन की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा, अन्यथा हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी तालिबानी सोच को। अगर तुम अरब से आए हो तो तुम्हें हिंदुस्तान से मतलब क्या है? तुम्हारा हिंदुस्तान हुआ कैसे? और अगर तुम हिंदुस्तानी हो तो तुम मुसलमान कैसे हो? ये उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि वो आज मुसलमान हैं तो मुसलमान क्यों हैं? ये वही मुसलमान हैं जो तलवार की डर से सलवार पहन लिए और आज हम पे आँख दिखाते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमारी बात मानी जाएगी। तो ये मुगलिया सल्तनत नहीं है, ये भारत है, ये भारत का अपना लोकतंत्र है, भारत की अपनी सरकार है। ये सरकार
सबको साथ लेकर चल रही है, इसमें विघ्न मत डालो, अन्यथा ये सनातनी हिंदू खड़ा हो चुका है और तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देता रहेगा।